लेक्चर वन में कंसेप्ट ऑफ गुड्स देखा था, कैपिटल गुड्स देखे थे, इंटरमीडिएट गुड्स देखे थे, फाइनल गुड्स का कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है? तो वो बेसिक पार्ट था। अब उसका हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसमें हम जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, जीडीपी, नेशनल इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्सेट्रा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है तो थोड़ा ध्यान देना। अगर आपको ये चैप्टर समझ आता है आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो प्लीज़ पे अटेंशन फॉर दिस। इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे? नेशनल इनकम देखेंगे, डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम, विल लुक फॉर द ग्रोस एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस, बेसिक प्राइसेस, तीनों में डिफरेंस क्या क्या होता है, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी देखेंगे, जीडीपी एंड वेलफेयर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी हम देखेंगे, वेलफेयर को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें विल लुक इनटू दिस क्लास। बिफोर कमिंग टू द मेन कंसेप्ट ऑफ जीडीपी, मैं तीन कंसेप्ट आपको क्लियर करना चाहता हूँ। एक है फैक्टर इनकम, फैक्टर कॉस्ट वाला जो है, दूसरा है आपका बेसिक प्राइस, ये आपका हो गया फर्स्ट, एंड तीसरा है आपका मार्केट प्राइस। ओके, आप एक एग्जांपल समझिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, एक बंदा है जो प्रोडक्शन कर रहा है, ओके, और एक बंदा है कंज्यूमर, सिर्फ दो ही चीज़ें हैं यहाँ पे, ओके। सो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड होता है, ठीक है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, और एंटरप्राइज होता है। अगर मेरे को कुछ प्रोड्यूस करना है तो मेरे को क्या चाहिए? लैंड चाहिए, उसमें काम करने के लिए मेरे पास क्या चाहिए? लेबर चाहिए, उसमें लगाने के लिए मेरे पास कैपिटल चाहिए, सो ये कैपिटल होगी, और चौथा है उसके लिए माइंड चाहिए, तो उसको बिजनेस या फिर आप एंटरप्राइज कुछ भी कर लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये चार होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनसे जो इनकम आती है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम। सो बेसिकली क्या होता है, एक लेबर है वो अपनी सर्विस देगा यहाँ पे, ठीक है, लेबर, तो लेबर से क्या जाएगी? वेजेस, ठीक है, तो ये इसकी इनकम होगी, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है कि इन्होंने क्या कहा, अगर लैंड है तो लैंड से जाएगा रेंट, ठीक है, लेबर है तो लेबर का जाएगा वेजेस, कैपिटल है तो उससे जाएगा इंटरेस्ट, और अगर आपका बिजनेस है तो उससे जाएगा आपका प्रॉफिट, ओके। तो ये जो चार हैं ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, ये जो चार हैं ये फैक्टर इनकम है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि अगर मान लो यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या होता, सिंपली प्रोडक्शन और यहाँ पे कंज्यूमर, और यहाँ पे ये अपनी सर्विस देते और यहाँ पे ये ले लेते, तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते तो इसमें आ जाता जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने कहा यार दिस इज समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल, वी आर गिविंग यू लॉट ऑफ सर्विसेज लाइक रोड्स, रेलवेज एक्सेट्रा, सो वी नीड मनी फॉर दैट। और गवर्नमेंट आएगी, मनी कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आके ना पूरा खेल खराब कर देती है। गवर्नमेंट कहती है यू हैव टू गिव अस टैक्सेस, ओके। जैसे ही टैक्सेस इन पिक्चर आता है ना, तो फैक्टर कॉस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इनटू बेसिक प्राइस एंड इन द मार्केट प्राइस। किस तरीके से होता है वो मैं बताता हूँ आपको। ये एक फैक्ट्री यूनिट है, फैक्ट्री यूनिट है, ठीक है। यहां से एक प्रोडक्ट बन के निकला, ओके। इस प्रोडक्ट के ऊपर, इसको प्रोड्यूस करने के लिए एक गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रोडक्शन टैक्स लगा दिया, प्रोडक्शन टैक्स, ठीक है। ये हुआ मेरा केस वन, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सपोज करो कि कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइसेस गवर्नमेंट लोअर डाउन करना चाहती है, तो सब्सिडीज, सब्सिडीज लगा सकती है, ठीक है। ये जो दोनों चीजें हैं ये क्या है, प्रोडक्शन के ऊपर है, प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर है, ओके, नॉट दी प्रोडक्ट। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपको 1000 रुपीज लग रहे हैं ना, तो आप 1000 की जगह 900 कर दीजिए, हम 100 रुपए की आपको सब्सिडी दे देंगे, 1000 है उसके ऊपर हम 100 रुपए लेंगे, जिससे कि मतलब अगर आप कुछ ऐसा, जैसे मान लो सिगरेट है
और गवर्नमेंट डिसइंसेंटिवाई करना चाहती है प्रोडक्शन को, तो गवर्नमेंट प्रोडक्शन टैक्स लगा देती है। ठीक है, अभी क्या था, ये प्रोडक्ट था एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें क्या हुआ, प्रोडक्शन टैक्स लगा या फिर सब्सिडीज लगी, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट एट बेसिक प्राइस, इतना ये ध्यान रखना है। अभी फैक्टर कॉस्ट से किस में चला गया, बेसिक प्राइस में। अब देखो आगे, देखो अभी प्रोडक्ट क्या आ गया है, बेसिक प्राइस पे आ गया, बेसिक प्राइस पे आ गया। अब गवर्नमेंट ने कहा ठीक है यार, तुमने प्रोडक्शन तो कर दिया है बट हमारा तो काम नहीं चलेगा, सो वी वॉन्ट टू पुट मोर टैक्स। ठीक है, तो ये हो गया जैसे जीएसटी है, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स। प्रोडक्शन टैक्स अलग है, प्रोडक्ट टैक्स अलग है, प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट के ऊपर है। ठीक है, या फिर सब्सिडीज सेम चीज। तो जब ये इन पिक्चर आ जाए तो ये मेरा किस पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बार बार में आप जब देखोगे तो आपको ये टर्म्स दिखेंगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे ही मार्केट प्राइस आ जाता है तो उसमें प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स दोनों इन्वॉल्व है, बेसिक प्राइस है तो सिर्फ प्रोडक्शन टैक्स इन्वॉल्व है, फैक्टर कॉस्ट है तो गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब इन तीनों का हम एक बार इसके गो थ्रू कर लेते हैं, ये हो गया। एक सेकेंड, एक ट्रांसफर इनकम का कंसेप्ट जो है मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, वो मैं और बता देता हूँ। अब क्या हुआ यहाँ पे, लुक एट दिस, यहाँ पे लेबर था, लेबर अपनी सर्विस दे रहा था एंड अगेंस्ट द फैक्टर सर्विस ही वॉज रिसीविंग सम फैक्टर इनकम। बट इन केस इफ अ सिचुएशन हैपन्स लाइक दैट कि यू आर नॉट पेइंग एनी सर्विस बट स्टिल यू आर रिसीविंग एनी इनकम, देन दैट पेमेंट इज नोन एज ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट बेसिकली क्या है कि आप कोई सर्विस नहीं दे रहे हो लेकिन आपको पैसा मिल रहा है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन। ओके, तो ये चीजें चार कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो, इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय गिविंग फैक्टर सर्विसेज, क्लियर है। इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज, ये ट्रांसफर इनकम होगी। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट हमने देखा था, उसमें प्रोडक्शन टैक्सेस और सब्सिडीज, ठीक है, वो ऐड करने के बाद हमारा किस पे आ गया, बेसिक प्राइस पे आ गया। सेम चीज क्या होगी कि फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पे करना है तो उसमें क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट टैक्स को इन्वॉल्व कर देंगे। ठीक है, और ये सब तब होता है फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस जब जाता है, जब व्हेन देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, एंड ये स्पेसिफिकली चीज मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज आइडेंटिकल विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो गवर्नमेंट, देयर इज नो टैक्सेस, नो सब्सिडीज। क्लियर है, तो फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस और ट्रांसफर इनकम, चार कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, देन ओनली वी विल बी एबल टू कंसेप्चुअलाइज द जीडीपी इन अ बेटर वे। क्लियर, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फैक्टर कॉस्ट, नेट प्रोडक्शन, बेसिकली आप देख रहे हैं। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आपको जीडीपी समझ आ गया ना तो आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ईजी हो जाएगी। जीडीपी जब भी कोई पूछता है एंड आई गेट अ सिमिलर आंसर, एवरीबॉडी सेज इट्स अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वी डोंट नो। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको तीन चीजें समझनी है, इसको ब्रेक करते हैं। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, क्लियर। डोमेस्टिक का मतलब होता है डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो सारी प्रोसेस होती है ये कब होती है, ओवर अ अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सो बेसिकली जीडीपी कुछ भी नहीं है, आपका टोटल प्रोडक्शन है विद इन योर डोमेस्टिक टेरिटरी बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ योर कंट्री। तो चार वर्ड हमने देखे हैं, टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन कहां पे होगा, ये तो हो गया व्हाट, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, कहां पे होगा, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी।
ठीक है, ये आपका हो गया वेयर, ठीक है, और कौन करेगा ये आपका हो गया नॉर्मल रेजिडेंट, क्लियर, ये आपका हो गया बाय होम। ये तीन चीजें आपको समझनी है, अगर ये तीन चीजें आपको समझ आ गई तो आपको जीडीपी समझ आ गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब देख लेते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट का कंसेप्ट क्या होता है। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब है यहाँ पे प्रोडक्शन जो कर रहा है ना वो आपकी कंट्री के अंदर रह रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स सिटीजनशिप। कोई यूएस का नेशनल भी है जो इंडिया में रह के प्रोडक्शन कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, इफेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाइव कर रहा है, तो वो इन द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट काउंट होगा। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है आपकी पॉलिटिकल टेरिटरी, पॉलिटिकल टेरिटरी जनरली, ओके, प्लस वेर यू हैव इफेक्टिव इकोनॉमिक कंट्रोल, इकोनॉमिक कंट्रोल। तो अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं दोनों को कंबाइन करके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोल देते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, तो आपका बेसिकली प्रोडक्शन हो रहा है इन द इकोनॉमिक टेरिटरी बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, और इसका जो समेशन है टोटल प्रोडक्शन है दैट इज योर जीडीपी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ये कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट है, ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन कंट्री, इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विद इन द इकोनॉमिक कंट्री। अब आप बोलोगे कि हाउ कैन इंडिया हैव अ इफेक्टिव इकोनॉमिक कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे सपोज करो एम्बेसी है इंडिया की यूएस के अंदर, तो वहां पे जो हो रहा है इंडिया इज कंट्रोलिंग कॉलिंग द शॉट्स, तो वहां पे इंडिया विल बी हैविंग द इकोनॉमिक टेरिटरी, तो वहाँ इकोनॉमिक कंट्रोल, तो वहां पे वॉट एवर द प्रोडक्शन वॉट एवर द सर्विसेज द पीपल आर रेंडरिंग ना, दे विल बी काउंटेड इन द पार्ट ऑफ द इंडियन जीडीपी। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव इकोनॉमिक कंट्रोल, क्लियर है। अब बात आती है यहाँ पे एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ, सपोज करो ये इंडिया है, ओके, और यहाँ पे कोई यूएस का बंदा है जो इंडिया में रह के प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, नाउ इंडिया में रह के प्रोड्यूस कर रहा है तो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, नाउ प्रोडक्शन इज गेटिंग काउंटेड इनटू इंडिया जीडीपी, लेकिन वो बंदा अपना लेके जाएगा तो यहां से वो ही विल बी ड्राइविंग सम इनकम, ठीक है, इनकम टू फॉरेन कंट्रीज, ओके। सिमिलर वे में क्या होगा कि कोई इंडियन होगा जो यूएसए कनाडा में कहीं काम कर रहा होगा एंड ही विल बी गेटिंग सम इनकम, इनकम टू इंडियन, ओके। तो अगर हम जीडीपी में, ठीक है, ऐड कर दें जो इनकम आउटसाइड से आ रही है, इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ठीक है, टू इंडिया, और इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर दें इनकम गोइंग आउट ऑफ इंडिया, इनकम गोइंग आउट ऑफ इंडिया, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा और या फिर नेशनल इनकम। ठीक है, ये जो टर्म है इसको हम बोल देते हैं नेट फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्यों है, क्योंकि अभी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे ही ध्यान दे रहे हैं, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस पे अभी नहीं आए हैं, फ्रॉम अब्रॉड, क्लियर है कि नहीं है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नॉर्मल रेजिडेंट हो गया। नॉर्मल रेजिडेंट ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ सकता है एंड पूछा भी गया है कि कौन कौन से नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया में काउंट होंगे, जीडीपी में काउंट होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। तो इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, ठीक है, एंड इंडियंस एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, पीपल लिविंग मॉनिटरी फंड वगैरह के अंदर, ये आप मैंने बहुत सारे डिफरेंसेज यहाँ पे डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम मैंने समझा दिया है, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, ठीक है, अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब हम फैक्टर इनकम ही वो करता है, एक कन्वर्जन वाला पार्ट देख लेते हैं इसका।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आई हैव एक्सप्लेन कि उसमें क्या करते हैं, जो इंडिया में आ रही है उसको ऐड कर लेते हैं और जो जा रही है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर आता है कन्वर्जन वाला पार्ट। कन्वर्जन वाला पार्ट में कुछ भी नहीं है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। डोमेस्टिक इनकम है यहाँ पे, डोमेस्टिक इनकम मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ठीक है इज इक्वल टू योर नेशनल इनकम। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड में क्या करते हैं, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय आर रेजिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो इंडिया में आ रहा है, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉन रेजिडेंट्स जो जा रहा है, दोनों को माइनस करके। ये जो टर्म है ना, ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। अगर हमारा आने वाला प्रोडक्ट ज्यादा है, आने वाला इनकम ज्यादा है तो हमारा पॉजिटिव में होगा, अगर हमारा आने वाला कम है तो हमारा नेगेटिव में होगा। तो जरूरी नहीं है कि नेशनल इनकम, नॉट नेसेसरी कि नेशनल इनकम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन योर डोमेस्टिक इनकम। दिस फैक्ट इज नॉट करेक्ट। इट विल डिपेंड ऑन द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। क्लियर? अब देखो ये जो सब कुछ हमने पढ़ा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम, ये हमने पढ़ा फैक्टर कॉस्ट पे। अभी तक गवर्नमेंट जो है पिक्चर में नहीं आई। गवर्नमेंट पिक्चर में आते ही क्या करेगी, टैक्सेस लगाएगी। तो यहाँ पे क्या करेगी, टैक्सेस। टैक्सेस क्या करेंगे, प्राइसेस बढ़ाएंगे माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या करेंगी, प्राइसेस घटाएंगे। और ये चीज क्या होगी, तुम्हारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए का कोई एक पेन प्रोड्यूस किया, ठीक है, आपने इसके ऊपर टैक्स लगाया एट द रेट ऑफ 10%, तो इसका 110 हो गया मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, ओके। ये 10% टैक्स कब लगा, जो गवर्नमेंट पिक्चर में आई, ठीक है। उससे पहले इसका प्राइस क्या था, एट अ फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है इनिशियल कॉस्ट, जो उसको सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करके जो कॉस्ट आई है ना उसका, वो है फैक्टर कॉस्ट। कि उसमें लेबर कॉस्ट इतना था, उसका प्रॉफिट इतना था, उसका कैपिटल का चार्ज उसने इतना किया है, रॉ मेटीरियल का चार्ज इतना किया, वो है फैक्टर कॉस्ट। तो ये ही किया है फैक्टर कॉस्ट में, यहाँ पे मैंने टैक्सेस ऐड कर दिया है, तो मेरा मार्केट प्राइस आ गया। क्लियर है? ये हुई इक्वेशन वन। अगर मैं सेम इक्वेशन लू यहां पे, तो यहां पे एट द रेट 10% अगर मैं सब्सिडी दे दूं, तो ये 90 हो जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। क्लियर? इन दोनों को कंबाइन कर दिया, प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो यहां पे मैंने प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, जब फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस ऐड कर दोगे, सब्सिडीज माइनस कर दोगे, तो वो मेरा क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले दोनों टर्म्स को कंबाइन करके ना हम बोल देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया, तो वो यहां पर यही है। यहां पर इसने इक्वेशन उल्टी लिख दी है, मार्केट प्राइस माइनस, अगर मैं इसको यहां पे लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्लियर है? फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करना है, सिंपली टैक्सेस को ऐड करना है फैक्टर कॉस्ट में, सब्सिडीज को माइनस करना है, वो तुम्हारा मार्केट प्राइस आ जाएगा। ये चीज मैंने यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दी। अगर मैं रिवर्स बोलूं कि मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में टैक्स इन्वॉल्व है, अगर मैं उसमें से टैक्स माइनस कर दूं तो मेरे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इट्स अ सिंपल मैथमेटिक गेम, ओके। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी का, ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ ना, देखो दो चीजें हैं, एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। 2021-22 में, ठीक है, इंडिया ने प्रोड्यूस किए 10 पेन, ठीक है, जिसकी प्राइस थी ₹10 ईच। टोटल क्या हो गया, 100 हुआ मेरा प्रोडक्शन, ये मैं इक्वेशन वन मान लेता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर आ जाओ 2022-23, ठीक है, वहां पे मैंने क्या किया कि पेन तो 10 ही प्रोड्यूस किए,
लेकिन मेरा प्राइसेस बढ़ गया, ठीक है, से सपोज 20 हो गया, तो यहां पे आ गया मेरा 200। अगर मैं इस इतने वाले पिक्चर को माइनस कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल हटा देता हूं, और मैं सिर्फ इसी चीज पे फोकस करता हूं, तो मुझे क्या लगेगा कि माई GDP इंक्रीज फ्रॉम 100 to 200, दिस विल बी द पिक्चर। लेकिन हम GDP में क्या देखते हैं, प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन एक्चुअल में क्या हुआ है, प्रोडक्शन वॉज फिक्स्ड। दिस इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन जो इल्यूजनरी दिख रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज, ठीक है। तो GDP जो है ना, दो तरीके से बढ़ सकती है। अगर मैं GDP को इस तरीके से लिखूं, GDP इज इक्वल टू क्वांटिटी, जितना प्रोडक्शन है, इनटू प्राइस, ओके। अगर मैं क्वांटिटी बढ़ा दूं तो GDP बढ़ जाएगी, अगर प्राइसेस बढ़ा दूं मैं तो भी GDP बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें कौन सी GDP चाहिए, हमें ये वाली GDP चाहिए, क्वांटिटी वाली। तो अगर मैं ये बोलूं तुम्हें कि भाई अगर मेरे को इफेक्टिव मेजर करना है कि 2021 से 2022-23 में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो मेरे को ये वाली चीज क्या करनी पड़ेगी, कॉन्स्टेंट रखनी पड़ेगी। सो व्हेन द प्राइस बिकम्स कॉन्स्टेंट, ओके, तब हमें जो मिलती है वो होती है रियल GDP, ओके। और नॉमिनल GDP होती है GDP एट द करंट प्राइस, जो अभी मार्केट में चल रहा है ना, GDP एट द करंट प्राइस, ये होता है मेरा नॉमिनल GDP, ठीक है। यही चीज इसने यहां पे लिखी है, नॉमिनल GDP भी, क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो ये प्राइस प्रीवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, जिस ईयर में आप मेजर कर रहे हो ना, उस ईयर के अंदर जो प्राइस चल रहा है उसका जो है, दैट इज माय नॉमिनल GDP। रियल GDP क्या होगी, प्रीवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर। अब बेस ईयर का एक कंसेप्ट देख लेते हैं। बेस ईयर का कुछ नहीं होता है, जो एक क्या करती है ना गवर्नमेंट, प्राइस कॉन्स्टेंट करना है, लेकिन आप कौन से ईयर का प्राइस कॉन्स्टेंट करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक ईयर को सेलेक्ट कर लेती है, ठीक है, एक ईयर जो कि स्टेबल रहा है, जिसमें मॉनसून वगैरह नॉर्मल थे, सिचुएशंस नॉर्मल थी, कोई बहुत ज़्यादा जैसे कोविड टाइप की कोई इमरजेंसी नहीं थी, तो उसके प्राइसेस जो हैं, उस ईयर के प्राइसेस जो हैं अज्यूम कर लेते हैं, एंड दैट इज नोन एज बेस ईयर। तो उसमें क्या होगा कि हम क्वांटिटी इनटू ये बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस, ठीक है। तो ये मेरा क्या, जैसे सपोज करो ये 2021-22 था, ये 2022-23 था, तो अगर मैं बेस ईयर से मल्टीप्लाई करके निकालूंगा तो जो इंक्रीज होगा वो प्रोडक्शन की वजह से होगा। सो आई विल गेट अ रियल पिक्चर कि जैसे 10 पेन था, अगर मैंने इसका 10 प्राइस फिक्स कर दिया तो ये 100 होगा, अगर यहाँ पे 10 ही प्रोड्यूस होगा तो ये 10 रहेगा, तो बेसिकली मेरा GDP 0 हो गया। लेकिन अगर मैं सेम चीज यहाँ पे करूँ कि ये 20 हो गया एंड ये फिक्स है, तो ये हो गया 200, सो दैट इज माई इंक्रीज ऑफ GDP। इसलिए कंसेप्ट ऑफ नॉमिनल एंड रियल GDP बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। नॉमिनल में करंट ईयर के प्राइसेस लेते हैं और रियल में क्या करते हैं, बेस ईयर के प्राइसेस लेते हैं। आई होप इट्स क्लियर, ओके। उसके बाद में क्या होता है, एक कंसेप्ट आता है GDP डिफ्लेटर का। अब हमने क्या किया, नॉमिनल से रियल में जाना है या रियल से नॉमिनल में जाना है। जनरली क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन होता है, प्राइस राइज होता है, ठीक है। तो हम एक रेशो लेते हैं नॉमिनल से रियल GDP का, जो रेशो होता है ना उसको GDP डिफ्लेटर बोलते हैं, ठीक है। तो GDP डिफ्लेटर क्या करता है, हमें असिस्ट करता है ये देखने के लिए कि बेस ईयर के प्राइसेस से करंट ईयर के प्राइसेस में कितना फ्लक्चुएशन हुआ है, कितना वेरिएशन हुआ है। तो GDP डिफ्लेटर क्या है, इट रेफर्स टू रेशियो GDP एट करंट प्राइसेस। GDP एट करंट प्राइसेस इज नॉमिनल GDP, GDP एट करंट प्राइसेस एंड GDP एट द कॉन्स्टेंट प्राइसेस। नाउ GDP एट द कॉन्स्टेंट प्राइस जो होगा वो आपका बेस ईयर का हो गया, ठीक है। ये GDP डिफ्लेटर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देके बताया कि 660 है, उसको अगर करोगे तो दिस इज माई, इट शोज द जनरल प्राइस राइज बाई 10%। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है ना कि GDP डिफ्लेटर हमें प्राइस राइज दिखा देगा। आई होप आई एम क्लियर सो फार। तो अभी तक हमने क्या देखा, GDP देख लिया, मार्केट प्राइस देख लिया, फैक्टर कॉस्ट देख लिया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देख लिया, ट्रांसफर पेमेंट्स देख लिया, बेसिक प्राइसेस देख लिया, GDP डिफ्लेटर देख लिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, बेस ईयर का कंसेप्ट आई हैव टोल्ड यू,
एक स्टेबल ईयर हम ले लेते हैं जिसके प्राइसेस से हम मल्टीप्लाई करके रियल जीडीपी का हमें एक पर्सपेक्टिव मिलता है। करंट प्राइसेज एंड कॉन्स्टेंट प्राइसेज आई हैव एक्सप्लेन यू। करंट प्राइसेज जो होता है करंट अकाउंटिंग ईयर का जो प्राइस होता है वो होता है, कॉन्स्टेंट प्राइस जो होता है जो कि बेस ईयर का हम लेके चलते हैं। इट इज़ अ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अकाउंटिंग ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड द करंट ईयर प्राइसेज। यहाँ पे एस्टिमेटेड एट द बेस ईयर प्राइसेज, नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे करंट वाले को, इसको रियल जीडीपी बोलेंगे। अगर आप देखोगे ना एवरीथिंग इज कनेक्टेड, आपको बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। ओके उसके बाद में ये एक फ्लो चार्ट मैंने दिया है आपको, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कन्वर्जन आ गया है तो आप यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर दिया, ठीक है, तो हम किधर जाएंगे, ठीक है। और अगर इसमें से मैं ये वाला, ये जीडीपी था एट मार्केट प्राइस, अगर मैंने इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कर दिया तो मेरा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ गया। नाउ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस है तो अगर मेरे को फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे, सब्सिडीज ऐड करनी पड़ेंगी, तो माइनस टैक्सेस कर दिया, सब्सिडीज ऐड कर दी, तो मेरा फैक्टर कॉस्ट आ गया। अब फैक्टर कॉस्ट है मेरा, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट चल रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, अगर मैं उसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस कर दूँ तो मेरा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो अगर आप इस चार्ट को ट्रेस कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि आपने हर कंसेप्ट को समझ लिया है। सेम चीज़ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से इधर चलें तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, उसमें फैक्टर कॉस्ट में एक कंसेप्ट मैं आपको बताना भूल गया, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, डेप्रिसिएशन का, ठीक है। ये मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि जब मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उसमें कुछ वियर एंड टीयर होगा, तो उसमें डेप्रिसिएशन को अगर मैं माइनस कर दूंगा, डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट मैंने पहली क्लास में एक्सप्लेन किया था, इट्स अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, डेप्रिसिएशन कर दूंगा तो मेरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब ये फैक्टर कॉस्ट पे है, अगर मेरे को मार्केट प्राइस पे करना है तो इसमें मैं क्या करूँगा, टैक्सेज ऐड कर दूंगा और सब्सिडीज माइनस कर दूंगा, तो ये मेरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। क्लियर, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, कैपिटल कंजम्पशन डेप्रिसिएशन है, माइनस कर दिया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ गया, इसमें मैंने टैक्सेज ऐड कर दिए, सब्सिडीज माइनस कर दी, मार्केट प्राइस आ गया, ये मेरा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मैंने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कर दी तो मेरा नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गया मार्केट प्राइस, इसमें मैंने कंजप्शन ऐड कर दिया तो मेरा ग्रोस आ गया, इसका कन्वर्जन कर दिया तो जीडीपी आ गया। क्लियर, ये अगर चार्ट आपको समझ आ गया तो मतलब यू आर क्लियर विद दिस। इसका ही एक सिंपलर वर्जन मैंने यहाँ पे भी आपको दे दिया है फॉर प्रैक्टिस, ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए, ये आप एक बार देख लीजिएगा। फैक्टर कॉस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, जब गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, टैक्सेस वगैरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, देन इट्स फैक्टर कॉस्ट। बेसिक प्राइस, जहाँ पे प्रोसेस वाले टैक्सेस आ जाते हैं, प्रोडक्शन वाले टैक्सेस आ जाते हैं, तब आता है बेसिक प्राइस, ठीक है। प्रोड्यूसर फ्रॉम परचेजर यूनिट रिसीवेबल, दैट यूनिट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन और सेल, माइनस एनी टैक्स पेबल प्लस एनी सब्सिडी रिसीवेबल, प्रोडक्शन के ऊपर। मार्केट प्राइस, जब प्रोडक्ट टैक्स इन्वॉल्व हो जाता है, ये वही फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, ये रिपीटिशन। ओके, अब बात आती है कि जब हम डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, तो अगर मैं सिर्फ ये ही चीज़ मेजर करने लगूँ कि मेरा इस साल में इतना प्रोडक्शन था, अगले साल मेरा इतना प्रोडक्शन हो गया, तो वो क्या एक ट्रू पिक्चर देगा? क्या जीडीपी एब्सोल्यूट चीज है टू मेजर द डेवलपमेंट? तो वो ये कहता है कि जीडीपी एब्सोल्यूट मेजर नहीं है, देर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑन द पार्ट ऑफ द जीडीपी। जैसे जीडीपी ये बताएगा कि ओवरऑल इकोनॉमी का इतना इनकम इंक्रीज हो गया, लेकिन जीडीपी ये नहीं बताएगा कि किसको कितना मिला। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो ये नहीं बताता। उसके बाद एक्सटर्नैलिटीज हैं, जैसे कि मान लो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, कोल है, जैसे कोल बर्न हो रहा है तो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं, उसके हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो चीज़ें जीडीपी अकाउंट नहीं करता है, तो वो वाली चीज़ें होगी। उसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि मान लो मेड है, या फिर जैसे मदर है, मदर घर में काम करती है बट इट्स नॉट मोनेटाइज थिंग, तो वो वाली चीज़ें जो है वो काम नहीं करता, बेसिकली वो भी तो अपना सर्विस दे रही है ना। इस तरीके से जीडीपी भी क्या है, अपने आप में लिमिटेशंस हैं। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज होते हैं, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लासेस, जैसे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस हो गया, ठीक है, या फिर क्या नाम है, जैसे प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूशन पीएमआई है, और बहुत सारे इंडेक्सेज हैं, सीपीआई है, जैसे प्राइस राइज के लिए वो सारी चीज़ें मेजर। तो अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग इंडेक्सेज जो हैं
बनाए गए हैं। ठीक है, आपको अगर ये पीपीटी डाउनलोड करनी है तो VSS चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोड स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम ये कैलकुलेशन देखेंगे कि GDP को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अभी हमने अंडरस्टैंड किया है कि कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके तीन मेथड्स हैं, वैल्यू एडिशन मेथड है उसका, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। एक फटाफट से हम इस क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखा हमने, फैक्टर कॉस्ट देखा, ट्रांसफर इनकम देखा, बेसिक प्राइसेस देखा, मार्केट प्राइसेस देखा, इनका कन्वर्जन देखा, नेशनल इनकम देखी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखा, लिमिटेशंस ऑफ GDP देखी, ट्रांसफर पेमेंट्स देखा। आई होप इट्स क्लियर एंड इट हेल्प्स यू। अगर कुछ आप चाहते हो कि मेरी तरफ से, तो यू कैन कमेंट, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो। अदरवाइज आई विल ट्राई कि ये आई कवर द होल मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट बिकम्स ईजी। थैंक यू सो मच।